थैंक यू प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया उपसभापति महोदय। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल कई बाधाओं को पार करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत वक्त लगा, हम सुनते थे कि इस पर ये काम हो रहा है, इस पर ये काम हो रहा है, इस पर यहाँ टेस्टिमोनियल आ रहा है। तो आमतौर पर मैं बधाई के साथ साथ कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे होंगे, मैं समझता हूँ कि उसके बारे में मैं जिक्र करूँगा। पसंद आए तो ग्रहण करिएगा, ना पसंद आए तब भी ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, संग्रहण कीजिएगा। माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल का क्यों आना हुआ, क्या वजह है, ये हम सब जानते हैं। मंत्री महोदय ने अपने आरंभिक संबोधन में इस पर बातें रखी। मेरी चिंता या यूं कहूं कि दुविधा, बीते 19 के बाद से जब से दोबारा सरकार बनी है, अभी मैं एक अपने साथी से बात कर रहा था जो अक्सर मित्रवत ही रहते हैं हमारे भाजपा के साथियों के साथ, तो उन्होंने एक बात कही कि सारी बिल का मजमू कुछ भी हो, एक चीज कॉमन है, कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ वर्षों बाद अगर आप ही की सत्ता बनी रही तो राज्य नाम की अवधारणा शायद कहीं खत्म ही ना हो जाए, कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स के बदले रहे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ यूनियन। तो वो एक पहली चिंता है, क्योंकि सब कुछ आप जानते हैं, आप ही मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही साइंटिफिक अथॉरिटी बनाएंगे, आप ही को एम्पावर किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही, और जो बात उन्होंने सही कही, कि ये यूपीए के दौरान का ही कमिटमेंट था। जाहिर है हमारा कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट, बीते दिनों अंटार्कटिका वाला बिल इसी सदन से पास हुआ, कहा गया कि ये कमिटमेंट है। तो मैं सदन के समक्ष आपके मद्देनजर, आपके माध्यम से कुछ वैसे कमिटमेंट्स भी रखता हूं जिस पर फौरी तौर पर पहल होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव लार्जली बीन साइलेंट ऑन दोस। कपल ऑफ देम आई जस्ट नोट। इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स विच टॉक्स अबाउट नो डिस्टिंक्शन, द कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, blah blah blah, lot many। अभी आज सुबह ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, फिर माननीय विदेश मंत्री साहब ने भी कहा, माननीय सभापति महोदय जिन्होंने आसन ग्रहण किया, G20 की बात की, एक पृथ्वी वन अर्थ कहते हैं ना, वन फैमिली वन फ्यूचर। तो सर, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि दुनिया में दीवार गिराने से पहले अपनी दीवारें भी गिराई जाएं। अब वो एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए इसको, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी, जब आप G20 में और बाकी देशों के साथ बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए एक्सचेंज की बात होगी। अब एक मसला जिसको आपने कमोबेश एड्रेस नहीं किया है पूरी शिद्दत से, माननीय मंत्री महोदय, अभी सितंबर के महीने में 8 चीते आए इस देश में, कुनो, बड़ी चर्चा हुई, चीते ने कब खाया, चीता कब उठा, चीता ठीक से नहीं सोया, चीता आज रात बढ़िया से सोया, अब चीते ने जवाब देना शुरू कर दिया है, तो चीतामय हो गया था पूरा देश। चीतामय। अब चीतामय देश में हम भूल गए कि सहरिया ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ, बगचा गांव के सहरिया ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया गया। तो मैं देखिए, मैं जानवर एनिमल विरोधी नहीं, हो भी नहीं सकता, बहुत ट्रेनिंग मिली है, लेकिन सर ईश्वर न करे कभी ऐसी विधा हो, हमें चुनना पड़े कि जिंदा इंसान उनके सरोकारों से विमुख जा कितना दूर तक हम जा सकते हैं। ये इससे पहले सर एशियाटिक लायन आया था, तब भी ये डिस्प्लेसमेंट हुए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब तो आदिवासी हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं, न धरती अपनी न जंगल अपना, और मैं तो उस डिबेट में जाना ही चाहता, वनवासी या आदिवासी, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी वासी, लेकिन उनके बसावट की चिंता अगर नहीं है, और मैं चीता विरोधी नहीं हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, मैं भी बहुत समर्थक हूं चीते का, लेकिन
चीता भी ज्यादा प्रसन्न होता अगर उसको किसी का घर उजाड़ना ना पड़ता। अब आइए सर, आपके जो अभी तक की भी व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूं, इसमें 4 मिनट बोल भी गया मैं, सॉरी सर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स, ये मैं एक आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से, जब कभी ऑफेंस, आपने पेनल्टी बढ़ाई है, जेल टर्म बढ़ाया है, आप एक बार FIR पढ़िए, किस तरह की FIR लिखे जाते हैं और कौन फंसता है उसमें, बड़े FIR जब क्योंकि वायलेट किया उसने इस कानून को, उस संदर्भ में कह रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय के सवाल पूछने का अधिकार है, मैं उनको यही कह रहा था कि नैरेटिव्स ऑफ हाउ ऑफेंसेस आर कॉन्स्टिट्यूट एंड द एक्शंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, प्लीज रीड द FIR। नहीं, जो वाइल्ड लाइफ जो लॉ के वायलेशन की बात होती है, अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की आपकी अनचेक्ड पावर्स हैं, आप उस पर थोड़ा काम करो, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्पेसिफिकली टारगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये कई लोगों की जो ह्यूमन मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने भी लगातार एक बात कही है। एक आग्रह करूंगा कि दुनिया के खास करके US का भी देखा है कि एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सिस्टम, बस एक मिनट लूंगा सर, एक मिनट हो चुका उस तरह की जो US की तरह का है एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सिस्टम हम विकसित करें। और आखिरी में कहूंगा, मैं ये कहना नहीं चाहता था, सेक्शन 1 कई साथियों ने कहा 43, हाथी पे बड़े मेहरबान है आप, मतलब मेरी समझ में नहीं आया, हाथी मेरे साथी फिल्म कितना पहले रिलीज हुई थी, लेकिन हाथी के महिमा मंडन में आपने एक रिलीजियस एंड अदर पर्पसेस, तो बाकी के स्पेसीज ने क्या बिगाड़ा है। और कभी अगर हाथी अपनी जुबान से बोल पाए तो वो भी ये रिलीफ नहीं चाहता होगा, क्योंकि हाथियों के संदर्भ में भी कहा जाता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जब उसका डिस्प्ले होता है, एग्जिबिशनिज्म की पॉलिटिक्स होती है, तो उसका क्या होता है। बहरहाल सर, मैं यही खत्म करूंगा, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए, और जैसा शुरू में कहा था, ग्रहण करना हो करिए, लेकिन चीते और हाथी की कीमत पर अपने आदिवासी समुदाय और बिछड़ न जाए। शुक्रिया सर, जय हिंद। डॉक्टर जॉन विटास।